नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट आयुर्वेदा चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने हमारी वीडियोस अभी तक देखी हैं, हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं और हम सिर्फ दवाइयों की बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं अच्छी जीवन शैली की। क्योंकि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद का मतलब ही है एक अच्छी आयु जीना, एक ऐसी आयु जीना जो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार कही गई है। और कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट है कि जो हमारी गलत आदतें होती हैं या जो अभी हम अपना जीवन शैली जी रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, वो लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और स्पेशली जब हम बात करें हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, इनकी हैंड राइटिंग भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे और साथ ही साथ जो इनका जुनून है पढ़ने और लिखने का, उसकी वजह से सर की जो जानकारी है वो बहुत ही अतुल्य है। सर की जानकारी का जो एक पूरा चिट्ठा है, उसी में से आज हम जो हम पढ़ रहे थे और एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी कि जो मनुष्यता है, मनुष्यता एक ऐसी चीज है जो अभी खत्म होती जा रही है। जैसे स्वास्थ्य खत्म होता जा रहा है, हेल्थ खत्म होती जा रही है, ऐसे ही मनुष्यता खत्म होती जा रही है। तो सर ने एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है जिसमें मनुष्यता के लिए फ्री दवाई बताई गई है। तो आइए सर का इंट्रोडक्शन जानते हैं, सर कहाँ से हैं, कौन है, और उसके बाद जो मनुष्यता की दवाई है वो क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मिश्री लाल सुमन है। बेसिकली मैं राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पिछले 23 साल से दुनिया की नंबर वन टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटो कॉर्प में एज ए सीनियर टेक्नीशियन प्लानिंग में काम करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्लैनेट आयुर्वेदा के सभी विद्वान डॉक्टर गणों का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी उस संस्थाओं को जिसने मुझे बोलने के लिए सिखाया है, वो हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त SBS सशक्त भीम समाज है। मैं नमन करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजकुमार SDO साहब को और नमन करता हूँ सभी विद्वान गणों का जिन्होंने मुझे इस शैली से जोड़ रखा और मानवता के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एक मुफ्त सलाह जिसमें कोई पैसा लगता ना तन ना मन कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ आपको याद करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ मनुष्य बनने की मुफ्त दवा। यदि आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो नीचे लिखी दवाओं का सेवन अवश्य करें। सच्चाई की जड़ 5 तोला लें, चोरी न करने की जड़ 2 तोला लें, व्यभिचार न करने की जड़ 4 तोला लें, झूठ नहीं बोलने की जड़ 3 तोला लें, नशीले पदार्थों का सेवन न करने की जड़ 4 तोला लें, जीव हत्या न करने की जड़ 5 तोला लें, सत्संग का रस 1 तोला, परोपकार का बीज 1 तोला, मीठी वाणी के फूल 2 तोला, संगठन का रस 3 तोला, शिक्षा के बीज 5 तोला, साफ सफाई रहने की जड़ 2 तोला, मानवता के बीज 5 तोला, समानता का रस 4 तोला। इन सब चीज़ों को मिलाकर करुणा की हांडी में डालकर, ज्ञान के चूल्हे पर रखकर, निस्वार्थ वाले बर्तन में रखकर, त्याग की अग्नि में मीठी मीठी धीरे धीरे पकाएं। अच्छी तरह फुल पक जाने के बाद नीचे उतार लीजिए और प्रेम से ठंडा कीजिए। फिर सुबुद्धि रूपी कपड़े में छानकर मस्तिष्क की बोतल में बंद कर दें। सेवन करने की विधि है, इस औषधि का सेवन जन्म से मृत्यु के बीच में किसी भी समय वैज्ञानिक तरीके से इंसाफ की चम्मच से करें। परहेज, क्रोध की मिर्ची, जातीय अहंकार एवं भ्रष्टाचार के बैंगन, छुआछूत की प्याज, घृणा का तेल, कपट के का गुड़ से परहेज करना है। इतना करने पर आप मनुष्य बनकर दूसरों का कल्याण करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बताई है और आपने जो इसको लिखा है जिस तरीके से, और वो पता लग रहा है कि आपने उसको कितना सोच समझ के, कितना परिश्रम के बाद आपने इस चीज को लिखा है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी ये पसंद आएगा। पर सर, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करना चाहूंगी कि आपने ये लिखने का क्यों सोचा, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? मैंने ये सोचा कि जो दिखता है वही बिकता है, ये दुनिया का एक रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने ये सोची कि इसको लिख करके लोगों को बताया जाए।
हो सकता है किसी को जो लिखने का जुनून हो वो लिखने से समझ जाए, किसी को पढ़ने का जुनून हो वो पढ़कर समझ जाए, जिसको देखने का जुनून हो वो देखकर समझ जाए। हमें तो लोगों को समझाना है, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे लिख करके हो, चाहे पढ़ करके हो, चाहे देख करके। और अगर लिखना पढ़ना या देखना भी नहीं है तो अब आप इसको सिर्फ सुन भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं प्लैनेट आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने है। तो बहुत ही अच्छा लगा ये जान के और ये सुन के, मतलब आपने ही इसको लिखा है तो वो सुन के और ज्यादा अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि इस फ्री दवाई का फायदा हर कोई उठाएगा और इस समाज को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा हेल्दी हम बनाएंगे। तो ये सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को ही मेंटेन नहीं करेगा, आपकी मेंटल, सोशल और इमोशनल हेल्थ को भी मेंटेन करेगा। आपको आपके परिवारजनों से जोड़ के रखेगा, समाज से जोड़ के रखेगा। तो बहुत ही अच्छा था, धन्यवाद बहुत बहुत सर इसके लिए। ये लेसन हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू व्यूअर्स, और इस उम्मीद करते हैं कि आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था, पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ही आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ, फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्रेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके ओके ओके। आज तिवारी की पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी। तो क्या हुआ? यकृत प्रेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सलूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements delivered worldwide.